हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राउटटेक रिवॉल्यूशन। दोस्तों, चैट जीपीटी और ट्रेडिशनल सर्च इंजन के अंदर डिफरेंस आज जानते हैं। ट्रेडिशनल सर्च इंजन क्या होता है? एक तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन होता है, उसके बाद आता है बिंग, उसके बाद आता है याहू। हम कैसे रेस्पॉन्स कहाँ से ज़्यादा हमें मिलेगा, हम गूगल में सर्च करेंगे और चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखेंगे, देखते हैं किसमें कितना ज़्यादा, कहाँ से कितना ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, हम कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि चैट जीपीटी और ये सर्च इंजन के डिफरेंस देखेंगे हम। अगर हम यहाँ पे चैट जीपीटी में हाई लिखेंगे तो वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन सर्च इंजन में ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम गूगल से पूछेंगे रतन टाटा के बारे में, रतन नवाल टाटा जो कि महान है, इंडिया का जेम है, तो ये यहाँ पे आपको उनका आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, विकीपीडिया, वो जो न्यूज़ है, वो जो पासवे का न्यूज़ है, वो सब दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रतन टाटा लिखूँगा तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, रतन टाटा इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कंग्लोमेरेट्स अंडर हिज लीडरशिप। द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, एक्वायरिंग वेल नोन ग्लोबल ब्रांड्स लाइक जागुआर, लैंड रोवर एंड फोरस्टीन। ये है डिफरेंस। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो कुछ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है हु आर यू, अगर आप टाइप करोगे यहाँ पे विकिपीडिया आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ पे हु आर यू में टाइप करूं तो रिस्पॉन्स आएगा, आई एम चैट जीपीटी, एन एआई असिस्टेंट क्रिएटेड बाय ओपन एआई, आई एम हियर टू हेल्प विद आंसरिंग क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग सजेशन एंड असिस्टिंग विद वेरियस टास्क लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स, हेल्पिंग विद लैंग्वेज लर्निंग और इवन टेक्निकल सपोर्ट, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ये ऐसे आता है। और ये हुआ सॉन्ग और बहुत कुछ सजेस्ट करता है, लेकिन ये डायरेक्ट लिख के आ जाता है। अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे विकिपीडिया तो यहाँ पे आपको विकिपीडिया का वेबसाइट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे विकिपीडिया लिखूंगा तो यहाँ पे विकिपीडिया का डिटेल्स आ जाएगा। डिफरेंस क्या है? इसमें हमको एक ही क्लिक में कुछ टेक्स्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको लिंक्स आता है जो कि हम क्लिक करके पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया का वेबसाइट आएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ टेक्स्ट हमें मिलेगा जो कि एआई से जनरेटेड है और ओपन एआई से बना है। तो दोस्तों, ऐसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बस इतना ही दिखा दिया हूँ। अगर आप कुछ सर्च करोगे अबाउट इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे सर्च करोगे तो ये सारा वेबसाइट आपको दिखाएगा। यहाँ से आप खुल के पढ़ सकते हो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विकीपीडिया, ब्रिटानिका, अमेजन, ये बुक्स है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और प्रॉम्प्ट देता हूँ तो ये बहुत जल्दी फास्ट से आपको सारा चीज़ आपको बता देगा। ये है चैट जीपीटी का। थैंक्स फॉर वाचिंग फुल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।